तो चलिए दोस्तों, केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड में यहाँ पे देखेंगे 886 करोड़, और यहाँ पे देखेंगे 830 करोड़ के शेयर, और नीचे भी 45 करोड़ है, 35 करोड़ है, 11 करोड़ है। ये बड़े बड़े जो है लास्ट डील यहाँ पे नीचे के साइड में 20 करोड़, 8 करोड़, 7 करोड़, 9:15 पे, ठीक है ना। और यहाँ पे डेट देखेंगे आप लोग तो 15/12/2023 का दिख जाएगा, ठीक है। सीधा सा आप लोग देख सकते हो केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड में, और इसमें बड़ी बड़ी बिकवाली हुई है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो ये बड़ा सा वॉल्यूम, तो मतलब आज किसी ने शेयर जो है एग्जिट किया है, कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें से एग्जिट ले रहा है, इसी वजह से ये जो है इतना बड़ा वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहा है, जबकि इतना वॉल्यूम पीछे आप लोग देखोगे कहीं पे भी देखने के लिए नहीं मिला है। टोटल अगर शेयर की बात करेंगे तो NSE पे 2.5 करोड़ शेयर ट्रेड हुआ है, वहीं पे अगर बात करेंगे हम लोग BSE की, ठीक है, तो BSE पे भी देख लेते हैं कितना शेयर ट्रेड हुआ है। BSE पे भी देखेंगे अगर हम लोग तो BSE पे भी एक दिन करना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे इसमें भी देखेंगे तो लगभग 2.5 करोड़ उधर से और 2 करोड़ इधर से, तो कुल मिला के 4.5 करोड़ जो है शेयर यहाँ पे सेल हो चुके हैं अभी तक केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड में। यहाँ पे देखेंगे हाँ 4 करोड़, देखिए यहाँ पे भी मनी कंट्रोल पे भी दिखा रहा है 4 करोड़ NSE प्लस BSE ट्रेड वॉल्यूम, ठीक है ना, अभी तक का डाटा यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए ये तो कंफर्म हो गया कि लास्ट डील देखने के लिए मिली है, किसी ने बड़ी क्वांटिटी बेची है, अब किसने बेचा है वो देखने वाली बात होगी। तो चलिए 1.5 करोड़ यहाँ पे और 1.5 करोड़ यहाँ पे, मतलब कुल मिला के 2.5 करोड़ के आसपास का तो यहाँ पे, नहीं 2.5 नहीं, 3, 3.25 करोड़ तो ये यही बेचे हैं, ठीक है ना। तो देख सकते हो कितनी बड़ी क्वांटिटी है, और उसके बाद फुटकर में भी 10-10-15 लाख, वो जो 45 लाख बता रहा हूँ, 10 लाख 20 लाख वो सब जो हुआ है। तो एक बात क्लियर कर लीजिए कि किसी ने बड़ा क्वांटिटी बेचा है, हालांकि वो तो वॉल्यूम से भी पता चल गया था, लेकिन यहाँ से कन्फर्म हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें करना क्या है ये मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है ना। देखिए मेरे हिसाब से किसी ने शेयर टिकाया है तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, शेयर होल्डिंग मीटिंग यहाँ पे एक थी 14 दिसंबर को, ठीक है ना, तो उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए चार्ट पे जैसा मुझे दिख रहा है, इस 4 करोड़ शेयर बिकने के बाद तो देखिए मेरे हिसाब से इसमें अभी थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, हालांकि खरीदारी लॉन्ग टर्म वाली इसमें अब होनी चाहिए। कैसे खरीदारी करनी, एक बात तो क्लियर है कि ये 600 तक का टारगेट हम लोगों को आने वाले समय में देगा। अब ये एक ही महीने में दे देगा या फिर इसके लिए 4-6 महीने लगा देगा, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 600 का टारगेट इसमें मान के चलिए, 600 के लिए आप खरीदारी करेंगे, 500 पे है 600, मतलब 100 पॉइंट अभी ऊपर हम लोगों को मिल सकता है, 100 पॉइंट यहाँ से मिलेगा, लेकिन ये अभी थोड़ा बहुत और कंसोलिडेट करके 475 पहला सपोर्ट बनेगा, 475 ब्रेक होता है तो फिर 435 ये दूसरा सपोर्ट इसका बनेगा। फिबोनाची के आधार पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये 100% काम करेगा ही करेगा, ठीक है ना। इसमें मेरी स्ट्रेटेजी यही है कि अब तो देखिए यहीं पे खरीदारी करना था, रिकवर हो गया तो इसको अभी तो खरीद लेना चाहिए था, अब तो देखिए फिर से ऊपर चला गया। 475 रुपये पे खरीदारी करने का व्यू रहेगा, और इसमें जो रहेगा वो 435 रुपये के नीचे का आप लोग स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हो, 435 के आसपास आए तो फिर से एक बार आप लोग एवरेज कर सकते हो, ऐसी संभावना है, ठीक है ना, तो आएगा देख सकते हैं, तो आने की संभावना है, अभी भी गिरावट की संभावना है, देख लीजिएगा। स्विंग ट्रेडिंग अगर किसी को करना है तो ऊपर हाई ब्रेक होने दीजिए, 525 रुपये का लेवल, 26 रुपये का लेवल, तब इसमें जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप लोग खरीदारी करिएगा, वरना अभी भी यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, ठीक है ना। मेरा भी उसमें होल्ड करने का है, और नीचे आने पर जो है खरीदारी करने का है, 600 का टारगेट मेरा रहेगा, 435 के नीचे का स्टॉप लॉस, ठीक है ना, देख लीजिएगा।